भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। राज्यसभा में कांग्रेस ने नकवी को घेरा, अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप। कश्मीर हिंसा का भी मुद्दा उठा, हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित। इंडोनेशिया में गुरदीप की मौत की सजा पर सस्पेंस जारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पत्नी से की फोन पर बात। इंडोनेशिया सरकार ने माफी की अपील ठुकराई। मजीठिया मानहानि केस में अमृतसर कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत। पेशी के दौरान केजरीवाल ने मजीठिया को ललकारा, कहा हिम्मत है तो करे गिरफ्तार। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। नेताओं के पोस्टर पर पोती कालिक, जलाए पाक के झंडे, चुनाव में धांधली का आरोप। और गुड़गांव में आफत की बारिश, पिछले 17 घंटे से लगा है महाजाम। पुलिस ने की गुड़गांव के तरफ नहीं जाने की अपील, लगाई गई धारा 144, स्कूलों में की गई छुट्टी। अब तक हंगामेदार रहे मॉनसून सत्र में शुक्रवार को भी शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई। राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी पर सदन में अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस पर हंगामा शुरू हुआ और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऊपरी सदन में शुक्रवार को कश्मीर हिंसा के मुद्दे को भी उठाया गया। कांग्रेस ने नकवी पर आरोप लगाए तो बाकी विपक्षी दल भी समर्थन में उतर आए। इसके बाद सदन में शोर बढ़ गया। इंडोनेशिया में ड्रग्स तस्करी के आरोप में मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह को बचाने की भारत सरकार की कोशिशों को गहरा झटका लगा है। इंडोनेशिया सरकार ने परिजनों, मानवाधिकार समर्थकों और विदेशी सरकारों की माफी की सभी अपील ठुकरा दी है। गुरदीप समेत 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि गुरुवार को इनमें से 4 को मौत की सजा दे दी गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरदीप की पत्नी से फोन पर बात की है। घर में मातम का माहौल है, लेकिन पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को अब भी आशा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मौत की सजा की व्यवस्था टल जाएगी। जालंधर के रहने वाले 48 साल के गुरदीप को 300 ग्राम हीरोइन के साथ 2004 में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के मानहानि के इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आशीष खेतान शुक्रवार को अमृतसर कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है। इस संबंध में वकील HS फुलका ने बताया कि अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को 40,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है और 15 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में पेशी के पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान से सुर्खियां बटोरी। दरअसल केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होने से पहले कहा कि मजीठिया में हिम्मत है तो 6 महीने में मुझे गिरफ्तार करके दिखा दे, नहीं तो 6 महीने बाद मैं मजीठिया को गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बारिश के कारण 17 घंटे बाद भी कई इलाकों में महाजाम लगा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियों की नहीं खत्म होने वाली खतार के बीच शुक्रवार सुबह एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। इलाके में एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। वहीं पुलिस ने दिल्ली के लोगों से गुड़गांव की तरफ नहीं आने की अपील की है। सड़क पर महाजाम के मद्देनजर गुड़गांव के कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। NH8 और सोहना रोड पर सबसे अधिक और लंबा जाम लगा है। वही हालात से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने जिम्मेदार विभागों साथ की बैठक की है। इस बीच गुड़गांव पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि अगर वे दिल्ली से सड़क के रास्ते गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो ना आए। गुरुवार शाम को जब लोग दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकले तो जाम में फंस गए। ये जाम शाम 6 बजे से लगा हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर चुनाव में हुई धांधली से नाराज लोग आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ नीलम वैली में आज चुनावी पोस्टर्स पर कालिक पोती गई और पाकिस्तानी झंडे जलाए गए। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया जिसमें लोगों को चोटें आई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा वर्षों से POK और बलूचिस्तान में होता आ रहा है। चुनाव के बाद 21 जुलाई को मीरपुर में 3 शव और 25 तारीख को मुजफ्फरबाद से 2 शव मिले। इन शवों पर गोलियों के निशान हैं। शव के पास से जो गोलियां मिली है वे पाकिस्तानी सेना की है।
लोगों का आरोप है कि चुनावों में धांधली की गई और जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई उनको मौत के घाट उतार दिया गया। देश की खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आगाह किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को सबसे अधिक खतरा है। विशेष सुरक्षा दस्ते ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 15 अगस्त को आतंकी संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले में प्रधानमंत्री के मंच को बुलेट प्रूफ शीशे से ढकने को कहा गया है। एजेंसियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी सलाह को अनदेखा नहीं करेंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी पलों में बुलेट प्रूफ मंच से भाषण नहीं देने का फैसला किया था। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने में राह में भारत को तगड़ा झटका लगा है। यूएन की आम सभा ने इस मसले पर फैसला अगले सत्र के लिए टाल दिया है। भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के ग्रुप 4 ने आम सभा के इस फैसले पर निराशा जताई है। भारत ने G4 देशों के साथ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा सत्र में इस मुद्दे को लेकर माहौल नहीं बनाया जा सका। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत ने G4 देशों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि यूएन 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में बहुत समय से लंबित सुधारों को क्रियान्वित करने में सफलता हासिल करने और 10 दिशा में आगे बढ़ने में नाकाम रहा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर कुछ मीडिया में उठे सवालों पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मनोहर पर्रिकर ने बगैर नाम लिए एक चैनल पर सवाल उठाया, आखिर देश के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है। एक आतंकवादी के मारे जाने पर कई चैनलों के प्रसारण में मैंने जो देखा है वह सही नहीं है। आखिर कोई कैसे ये सवाल पूछ सकता है कि इसको क्यों मारा। अब एक टेररिस्ट को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए Metro TV से। नमस्कार।